वेलकम बैक अगेन गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नए मॉड पर वीडियो। तो गाइस आज के इस मॉड पे हम करने वाले हैं मर्सिडीज की क्लासिक कार के मॉड का रिव्यू एंड ओल्ड इज गोल्ड। तो आप देख सकते हो इस गोल्ड को जो कि काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी बढ़िया है। अगर मॉड की बात करूँ तो गाइस मॉड काफ़ी बढ़िया है, रियलिस्टिक है एंड मॉड। सो गाइस ये मर्सिडीज की 280S है। तो अगर आपने देखा होगा इसे तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी है एंड ये काफ़ी रेयर कार है रियल लाइफ में जो कि काफ़ी महंगी मिलती है। अब तो गाइज आप इसका लुक देख सकते हो, लुक दिखने में काफ़ी बढ़िया है। तो मैं आपको कैमरा खोल कर दिखा देता हूँ। सामने आपको इसमें बड़ी ग्रिल मिल जाएगी जो एयर इनटेक मतलब इंजन को कूल रखने के काफ़ी काम आती है और इसमें मर्सिडीज का लोगो मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है एंड ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि मॉड के साथ आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है। पहले वाले से आपका डोर खुल जाएगा, सेकेंड से बोनट एंड थर्ड से आपका बूट खुल जाएगा मतलब डिक्की। तो गाइज हम चलेंगे कार के बाहर। तो गाइस आप इसका इंजन देख सकते हो, इंजन दिखने में एकदम रियल लग रहा है एंड काफ़ी बढ़िया है दिखने में भी एंड चलने में भी काफ़ी बढ़िया है एंड इसकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया आती है। तो गाइस मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ कैमरा खोलकर। तो गाइस आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर दिखने में एकदम रियलिस्टिक है। वुड की आपको इसमें फिनिश मिल जाएगी और इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड बूट की बात करूँ तो गाइस इसमें बूट में तो छकपक जगह है जो कि रियल लाइफ में ही काम आती है, आपको पता ही होगा। सो गाइस मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और अब हम कर देंगे इसको सबको क्लोज और मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ अंदर से। तो गाइस आप इसका इंटीरियर देख सकते हो कितना बढ़िया एंड काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है एंड इसमें जो वुड फिनिश है डैशबोर्ड में जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड अगर मैं गाइस इसकी स्पीडोमीटर की बात करूँ तो इसका स्पीडोमीटर भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है एंड लाइट खोलने के बाद जो इसमें स्पीडोमीटर में लाइट आती है अंदर से तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। एंड साइड में जो ग्राफिक्स की दिक्कत है तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे ठीक करना है। अगर कोई वीडियो में पहली बार आया है तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि इसको कैसे ठीक करते हैं। सिंपल गाइस आपको पेट्रोल पंप में जाना है और पेट्रोल पंप में जाने के बाद आपको फ्यूल भराना है। फ्यूल भराने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको भी करके ये कैसे सॉर्ट आउट होता है। तो वीडियो में बने रहना, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। मॉड का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मॉड बिल्कुल फ्री है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं इसको टेस्ट और ये चलने में कैसी, इसकी ब्रेकिंग कैसी, इसकी कंट्रोलिंग कैसी है, तो हर चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा तो वीडियो में बने रहना। सो गाइस अगर मैं इसके इंजन साउंड की बात करूँ तो यार हाईवे पे बहुत बढ़िया इंजन साउंड आ रहा है इसका और अगर आप इसे हेडफोन लगाकर खेलोगे तो आपको और मज़ा आ जाएगा। बट अभी गाना चल रहा है तो इसलिए आपको ठीक से सुनाई नहीं आ पा रहा होगा, बट आप इसे डाउनलोड करके खुद खेलना तो आपको मज़ा आने वाला है। अगर आपको भी पुरानी कारें पसंद है तो ये मॉड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइज अगर मैं मॉड की बात करूँ तो यार ये काफ़ी बढ़िया मॉड है एंड इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप लगा लेना। एंड अब मैं यहाँ पे इसमें कट मारूँगा तो देखो कितने आराम से ये कट से निकल जाएगी। तो इसकी हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है, तो आप देख ही सकते हो ये आराम से कैसे कट मार के जा रही है। तो अभी मैं आगे और कट मारूँगा तो आप देखना। सो गाइज अभी हम पहुँचने वाले हैं पेट्रोल पम्प, तो फिर पेट्रोल पम्प में जाने के बाद हम इसको फ्यूल से ठीक कर देंगे। इसके ग्राफिक्स की दिक्कत तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे ठीक होती है। सो गाइस अब हम इसको पूरा खींचेंगे कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है, मतलब इसके इंजन पे हम पूरा प्रेशर लगा देंगे कि ये कितना भाग सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये 200 से ऊपर आराम से क्रॉस कर जाएगा, आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज आप देख सकते हो इसे चलने में काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये कट मार रही है बिना फिसले। कुछ मॉड में क्या होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, बट ये काफ़ी सही तरीके से चल रही है। और गाइस पेट्रोल पंप छूट गया साइड में, तो अब हम यहाँ से रॉन्ग यू टर्न लेकर पेट्रोल पंप भराने जाएंगे पेट्रोल। तो गाइस मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप और अब हम इसको कराएंगे रिफिल। तो हम पहुँच ही चुके हैं बस पेट्रोल पंप में। तो गाइस अब हम यहाँ पे इसको करा लेंगे रिफिल और आप देख सकते हो फ्यूल भराने के बाद ये हो चुका है एकदम से ठीक। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। तो गाइस अब हम इसको लेके चलेंगे फिर से हाईवे पे और अब हम इसको फिर खींचेंगे, देखते हैं अब ये कितना क्रॉस कर लेती है। उस टाइम तो 200 नहीं पहुंच पाई थी, तो अब देखेंगे कि ये 200 पहुंचती है कि नहीं पहुंचती।
सो गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर आपको कोई मॉड चाहिए या फिर कोई आपको बस आईडी का मॉड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। तो गाइज आज की इस मॉड पे इतना ही, होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले मॉड एंड अगली वीडियो में।